खबर हटके में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं वो कौन सी खबर है जो आपको और हमको सोचने पर मजबूर कर देती है। लॉकडाउन में अजीबोगरीब खबरें सामने आ रही है। अब जो खबरें सामने आई है, टाइम पास करने के लिए पति पत्नी गेम खेल रहे थे, यानी टाइम तो पास करना ही क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकते, तो पति पत्नी ने सोचा कि चलो लूडो खेल लेते। उन्होंने लूडो खेलना शुरू किया। अब लूडो खेलते खेलते 3 बार जीत गई पत्नी। पति को बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्से में आ गया, और गुस्सा भी ऐसा वैसा नहीं, पत्नी को पटक पटक कर मारा। लगातार 3 राउंड हारने के बाद गुस्साए पति ने जिस तरह से उसकी पत्नी को पीट पीट कर मारा है, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डियां टूट गई। रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में महिला का इलाज चला था। जब महिला से पूछा गया तब उसने जानकारी दी कि वो अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती है। इसके बाद डॉक्टरों ने और वहाँ की टीम ने तुरंत काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग के दौरान पति ने अपनी गलती मानी। लेकिन ये जो सब लॉकडाउन का साइड इफेक्ट कहा जा रहा है, या डिप्रेशन कह सकते हैं, या फिर खेल खेल में आपा खो रहे हैं, क्योंकि जब बाहर की सिचुएशन है उसमें इंसान अपने आप को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, शायद उसी का उदाहरण है, या हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन लॉकडाउन में खेल खेल में तोड़ दी पत्नी की रीढ़ की हड्डी, इतनी वहशीपना सामने आया है।